लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you. Please be seated. Mr. Kumar? Yes, Chief. Robert ka kya hua? Sach mein bulwane ki koshish kar raha hu, lekin abhi tak 6 mahine ho gaye hain. Kisi bhi police ke mukhbar ko itna waqt dena theek nahi hai. Ek hafte ke andar agar usne kuch nahi bataya to khatam kar do usse. Yes, Chief. You? Yes, Chief. शमशेर सिंह की कुर्सी पर तुम क्यों बैठे हो? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और वो रिटायर हो गए हैं। मैंने टेक ओवर कर लिया चीफ। किसकी इजाजत से? इनर कमेटी के हुक्म से। शमशेर सिंह मर चुका है, है? जी? और तुमने उसे मारा है? नहीं चीफ, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। 14 जुलाई रात को 9:30 बजे उनके रेस्ट हाउस के गैराज के पीछे। नहीं चीफ, नहीं। चीफ, आज आपका जन्मदिन है, इसे माफ कर दो। ए सुनील के बापू, आज ठीक 25 बरस हो गए तुम्हें इस दुनिया से गए हुए। सुनील को देखकर खुश तो होते होंगे ना? किसी दिन सपने में आकर कह जाते, शांता तुमने तो कमाल कर दिया, हम तो तुझको बेसहारा छोड़ाए थे, पर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। सुनील को पुलिस अफसर बनाए बिना चैन नहीं लिया तुमने। ये आपके 300 रुपए का मनी ऑर्डर, साइन कीजिए। ये लीजिए, आपका मनी ऑर्डर आने में कभी एक दिन भी देर नहीं हुई। देरी कैसे होगी भैया, हम जब कभी उसको दूध पिलाने में, लोरी सुनाने में देरी नहीं की, तो वो देरी कैसे करेगा? अरे भैया, ऐसा हीरा बेटा भगवान दुश्मन को भी दे। चली गई। आपको कौन सी विस्की चाहिए? जो विस्की बच गई वो हमें चाहिए। हमें जो चीज पसंद नहीं होती हम उसे खत्म कर डालते हैं, और यहां भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें पसंद नहीं। ए हीरो, ये जो तोड़फोड़ किया उसका हिसाब कौन चुकाएगा? हिसाब लेगा कौन रे? मैं लूंगा। तो लेना। Yeah.
नौजवान कुमार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। हमारी बहुत दिनों से तुम पर नजर, हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते। शुक्रिया। तुम चाहो तो हमारा एक बहुत बड़ा काम कर सकते। अजी किसकी गर्दन तोड़नी है, हुक्म कीजिए, दो मिनट के अंदर भिजूं। ताकत तो हमारे पास भी बहुत है बरखुरदार, लेकिन जो काम करना है, मेरा मतलब है मकसद की बात करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे कहीं जाना है। तुम इस वक्त कहां जा रहे हो हम ये भी जानते हैं, आईजी की लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। कमाल है, अरे आप कहीं पुलिस या सीआईडी में तो काम नहीं करते? ये क्या? वही मकसद की बात। मैं समझा नहीं। ये 25,000 है, आईजी के पास एक फाइल स्टडी के लिए आई है जिसका नंबर 117। वो फाइल हमारे लिए बहुत कीमती है, हम जानते हैं कि तुम फाइल आसानी से लाकर हमें दे सकते, क्योंकि आईजी की इकलौती बेटी मुझसे प्यार करती है। करेक्ट करेक्ट। ये वक्त है आने का, देखो मैं कहती हूँ चले जाओ, नहीं तो क्या प्यार करोगी? देखो सुनील मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, माय फुट ठींगा दे सकते हो, जो आदमी थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकता वो क्या जान देगा। अरे जान मांग कर तो देखो, अभी दूं? मैं समझी कि तुम खुशामद करोगे, मुझे अपनी बाहों में लेकर मनाओगे। अरे मैं तो अभी मनाने ही वाला था, सोचा पहले झगड़े का पूरा मजा ले लूं तो मनाओ। होल्ड इट माटाला, अभी मैं मनाना शुरू करता हूँ। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आओ सुनील आओ। जी ये रही आपकी फाइल। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप बाकी की पेमेंट भी कर दीजिए। बाकी के पैसे लेकर क्या करोगे सुनील, जबकि तुम खुद बाकी नहीं रहने वाले। मैं उन्हीं लोगों को यहां बुलाता हूं जिन्हें यहां से वापस जाना नहीं होता। धोखा, इस धंधे में धोखा। ले जाओ इसे और पुलिस को ऊपर रावट के साथ बंद कर दो। ले जाओ। अरे भाई चंगू बंगू, एक चुरुट पी लूं? चुप साला चुरुट की औलाद, चल। तुम भी आ गए, बैठो। हाँ तुम भी पुलिस का मुख भी बनाएगा, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। पुलिस ना तो रॉबर्ट को बचाएगा ना तुमको। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है और मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। चलो जल्दी करो। अभी नहीं, दरवाजे पे पहरा है। अपन का डैडी अंधा है, उसको मालूम नहीं कि हम बुरे धंधे में फंसा है। इतना टाइम हो गया हम उसे कुछ पैसा नहीं भेजा, इधर बन पड़ के मार खा रहा है, पैसा कैसे भेजेगा? और मालूम तुम अजी भाई साहब, ये नोट आपका है क्या? किधर? ये नोट। जान की खैरियत चाहता है तो चाबी ला। चाबी ला।
हम माचिस ढूंढ रहे थे। आप लोगों के पास माचिस है? बाप से मिले बगैर ही चले जाओ, गोलियों से छलनी करके समंदर में फेंक दो। चला चलो, मौत के किनारे खड़े हो जाओ। अरे विलेन लोगों, मरने से पहले इस हीरो को ये सिगार तो पी लेने दो। भैया मैं तब से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारे सुनते ही नहीं, क्या करूँ मैं? पी लेने यार, जब से यहाँ पे आया सिगार सिगार चिल्ला रहा है। पी ले पी ले। लीडर का नाम बता दो रॉबर्ट, कौन है वो? कौन है वो रॉबर्ट? साकिया तरपूर वेल वेल माय बॉय, यू हैव डन वंडरफुल जॉब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, मगर दुख इस बात का है कि मैं अपने इन्फॉर्मर रॉबर्ट को नहीं बचा सका सर। पर तुमने कोशिश तो की। साकिया का नाम जानने के लिए मैं अपनी और तुम्हारी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार था मिस्टर सुनील कुमार एसएसपी। रॉबर्ट के बारे में तुम जरा भी न सोचो। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इस देश के इतने बड़े समाज के दुश्मन का पता लगाकर तुमने इस देश में पैदा होने का हक साबित कर दिया है, और मुझे यकीन है कि एक दिन साकिया को गिरफ्तार भी तुम ही करोगे। सर मैं आपका यकीन कायम रखूंगा, लेकिन मुझे साकिया की फाइल मिल सकती है? क्यों नहीं, समझ लो फाइल मिल गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय डैड। हाय सुनीता, टेलीफोन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं तो ये कहना ही भूल गई कि आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो डिनर उसी के साथ होगा। घर कब तक आओगी? डिनर के बाद 9:30 बजे का शो देखने का प्रोग्राम है, उसके बाद आ जाऊंगी। ओके डैड। ओके ओके। सर अब मैं भी इजाजत लूं। क्यों, जल्दी में हो? नहीं सर, जल्दी में नहीं हूं। वो सुन, मेरा मतलब, अरे भाई कुछ देर बैठो, गपशप करेंगे, फिर डिनर के बाद चले जाना। अच्छा सर, डिनर के बाद? सर हाँ, डिनर यानी खाने के बाद। सर बात दरअसल ये है कि आज मेरी एक सहेली का बर्थडे है। ओह, सहेली का बर्थडे है? यस सर। नहीं सर, मेरा मतलब कि आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे। अच्छा, और उसके बाद 9:30 के सिनेमा का शो? यस सर। आपको कैसे मालूम सर? बरखुरदार, मुझे सब मालूम है।
कौन सी लड़की है, कौन सी सहेली है, किसका बर्थडे है, अब तुम मेरी बेटी सुनीता से छुप छुप कर कैसे मिलते हो? सर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, साकिया वाली बात सुनीता के कानों तक न पहुंच ले पाए। सर, मैं अपने फर्ज की जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, साकिया का मामला तय कर लें, उसके बाद एक दिन बैठकर आराम से तुम्हारी शादी की तारीख तय कर देंगे। ठीक है सर, यू कैन गो। सुनील, मजा आ जाए अगर ये रात कभी खत्म ना हो, हम यूं ही बैठे रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, मोहब्बत की चांदनी में नहाए हुए, उड़ते रहें इन मोमबत्तियों के लबों पर लगाकर। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर जिंदगी भर उड़ते रहना कुछ बोरिंग नहीं हो जाएगा? चलो माँ से चलकर पूछ लेते हैं। तुम उड़ने की बात कर रही हो और माँ पर कतरने के लिए कैंची तलाश कर रही है। क्या नाम है बेटी? सुनीता। ठीक से देख लो माँ, ना पसंद हो तो साफ साफ कह दो, दूसरी ले आऊंगा। ऐसी बकबक करके सिर खाता होगा तुम्हारा भी। अरे माँ, जब इसे पता चला कि भगवान के आशीर्वाद से तुम हो, तभी तो मुझसे शादी करने की राजी हुई है। मतलब 4 IAS अफसरों को, 3 उद्योगपतियों को, 2 पायलटों को और 1.5 फिल्म वालों को सिर्फ इसलिए ना कर दी है कि वो बिन माँ के थे। इसे माँ की सेवा करने का बहुत शौक है। अच्छा, मैं अभी आई, तब तक तुम चाय बनाओ, मेरी चाय में 3 चम्मच शक्कर डालना। हाँ, मेरी चाय में चीनी बिल्कुल मत डालना, सिर्फ जुठाल दो, मीठी हो जाएगी। कितनी सुंदर लग रही हैं आप। ए माँ, देखो मुंह चढ़ा रही है। अरे ये क्या कर रहे बेशरम? होने वाले पति पे हाथ उठाती है। माँ, माँ मारती है मुझको। हाँ। क्यों परेशान कर रहा है उसे? अरे माँ, लो बेटी पहन लो। बाजी, जब ये 3 बरस का था तब से इसकी बहू के लिए गहने बनवाने शुरू कर दिए थे हम लोगों ने। एक कंगन भी बनवाया था, वो तो इसे पाल कर बड़ा करने में पेक गया। इसे मैंने बचाए रखा। इसके पिता की तरफ से इसे स्वीकार कर लो बेटी। पिताजी के पांव तो तुम छू नहीं सकती। मैं भी जब पिताजी के पांव छूना चाहता हूं तो मां के ही पांव छू लेता हूं। देख लो, तुम्हें देखकर पिताजी खुश हो रहे हैं। बहू पसंद आई पिताजी? बेटा, जो लोग चले जाते हैं इतना याद क्यों आते हैं मां? लगता है जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं। हराम जादे, तू जल के मर क्यों नहीं गया? सारा टैंक, इतने साथी मारे गए, लाखों का माल तबाह हो गया, और हमें क्या मिला? तेरा जला हुआ चेहरा और ये नकली फाइल। उससे रॉबर्ट भी हाथ से निकल गया। रॉबर्ट तो मर गया जी। लेकिन मरने से पहले उसने पुलिस को क्या क्या बताया है वो कौन जानता है? खैर, तुम देखे जा चुके हो, अब तुम्हें यही फैक्ट्री में रहना पड़ेगा। पुलिस का कोई भरोसा नहीं, वो कहां से किधर से किस रूप में आ जाए। हेलो उधर, ओ भाई। अरे मोरी मिट्टी माँ, मिल गई जवानी। हाय राम, शिवपुर आ गया का? अरे आपको कितना टाइम बताना मांगता है भाई, शिवपुर से ये गाड़ी आ रही है, शिवपुर जा नहीं रही। चलो उतरो यहाँ पर। अरे भाई, ये धर्मपुर है, तुहार के शिवपुर जाना है ना? हाँ, तो बस इधर ही उतर लो, हर आधे घंटे पर शिवपुर के लिए बस छूट आता है, बस लपक लो। यानी पतली गली से निकल ले। बिल्कुल निकल लो, निकल लो। अरे मोरी मिट्टी माँ, मिल गई जवानी। हाय राम, ये बस वाला झपक लेगा। शिवपुर क्या गौना लेने जाते हो? अरे भाई, हमार किस्मत में गौना कहाँ लिखा है, सिर्फ ठरक लिखा है, ठरक। हम तो जात रहे रोजगार की तलाश में। अच्छा अच्छा गुरु सुनो,
सुना धर्मपुर में भी रोजगार का बहुत प्रबंध है, तुम कहो तो टिक ले, अगर तो हार मशौरा हो तो। चाय करण में हरजी क्या होता है, तुम्हार नाम का है? हमार नाम, हमार नाम है भोला नाथ चतुर्वेदी बनारस वाले बाल ब्रह्मचारी वल्द, त्रिवेणी प्रसाद चतुर्वेदी बनारस वाले वल्द, बाल मुकुंद त्रिवेदी बनारस वाले वल्द। बस 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 मत करो जल्द, हमार नाम बाके है, होटल हनीमून के नीचे पनवा की दुकनवा है, है? होटल की मालकिन रोजी बरबूजा, क्या मजे की चीज है, शेरनी है शेरनी। अबे साले बेवड़े, कौन है इधर? रोजी रोज का हिसाब रोज करती है, चल। अरे छोड़ना, चल बाल बीड़ी की औलाद, रोजी के होटल में मुफ्त खाने से जूते भी मुफ्त में खाने पड़ते हैं। अंडे बड़े प्रताप मोहन, उतारो साले के कपड़े और बेच डालो। उतार कपड़े, कपड़े उतारो, लेकिन इनके सामने नहीं, बजवाले रूम में चल ना, बजवाले रूम में चल ना, नीचे चंडी नहीं। अरे 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 चल चल, सीधी तरह 50 रुपए निकाल। दूंगा बोला, दूंगा उठा के। इधर है, इधर है, ये 50 रुपए, ये छुट्टे पैसे, आप कपड़ा पहन के जा सकता हो ना? चल जा जा। अब जा ही तो रहा हूँ, लेकिन तुझे देख लूंगा। अरे जाना, अरे तेरे जैसे समोसे बहुत देखे। अरे जाना। अब भी तो खाना खाने आया है ना, खाना खाने के बाद पैसे दे दे रहा। अरे मर गए। अरे मोरी मिट्टी में मिल गई जवानी, है राम ई लड़की है कि बड़े का छत्ता? अरे ई बड़े का छत्ता नहीं बड़े भाई, ई तो शहद की मक्खी का छत्ता है, पर गुड़ का सा दिल है इसका, सोंगा और बनारसी पान की तरह मीठा। वो नहीं रही है नया मुर्गा। मुर्गा? मुर्गी का पति मुर्गा? अरे मेम साहब हमसे पूछो, हम बतावत हैं, हम हैं, हमें भोलेनाथ ब्रह्मचारी बनारस वाले हनुमान भक्त, जिस्म के सख्त, दिल के गरम, जुबा के नरम, आंखों में शर्म, चना जो हो रे गरम, थोड़ा ज्यादा हो गया, तनिक ज्यादा हो गया। नहीं, आप अपना भी परिचय दे दो मेम साहब। आप उनका नाम रोजी है? रोजी? अरे अरे रोजी, हम तो आप ही के तलाश में निकले थे। हाँ अरे मत डाल, अरे घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे मेम साहब, बात ये है कि हम बेकार आदमी हैं, रोजी रोटी के तलाश में निकले थे, तो रोजी तो मिल गई, आधा काम बन गवा, अब रोटी भी मिल जाएगी भैया। क्या बकवास कर रहा है साला? साला भारतीय नारी और साला, अरे बिटिया बहुत खैरियत हो गई कि तुम छोकरी हो। रोजी मेम साहब, हमरी तो ये राय है कि आप होकर रख लो ऊपर के काम के वास्ते। ऊपर के काम के वास्ते? अरे हमको यहाँ रख लोगी मेम साहब तो बड़ी चकल्लस रहेगी। ए तुमको काम देने को कौन बोला? अरे काम देने को आज नहीं बोला तो कल तो बोलोगी ना मेम साहब, रोजी से रोजगार ढेर दूर थोड़ी रह सकता है। अरे भैया बांके बिहारी वाजपेयी, चल अपने पैसा से यहाँ चाह तो पी सकते हैं ना। अरे अरे एक कप चाह भेजना, जल्दी से लाना भैया बाल मुकुंद। हमारी कार के सामने स्कूटर पार्क करने की हिम्मत किसने की? स्कूटर पहले स्टैंड पे खड़ा था साहब। चुप। अबे ओ शिवाज निकल के दो बोतल गाड़ी में रख। अबे उधर क्या देखता है? उसको मत मारो, नया आदमी है वो। ये लो 750 रुपया, दाम बढ़ चुका है। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट तो पिछले बरस का पुन नहीं मिला। अबे विनोद, इस लड़की के तेवर बहुत हैं। तो ऐसा कर, 750 बार प्यार कर ले। क्या भरी जवानी है। क्यों रे? साले। अरे अरे मोरी मिट्टी में मिल गई जवानी, हाय राम। कौन है बे? अरे तुहार बाप है। वैसे हम आदमी बहुत सीधा साधा, लेकिन अगर हमारी बात लगी हो ज्यादा तो हे साहब के प्यादा, इतना बताओ हमको कि अपना पूरा परिचय दे कि आधा। पूरा परिचय दे बदतमीज। अरे भैया पूरा परिचय नहीं संभलेगा तुम दोनों से, एक काम करो ई बखत आधे परिचय से काम चलाए लो। लो We'll be right back.
ऐसे लोगों से व्यापार करने में घाटा ही घाटा है। हाँ, अरे ई का मैम साहब बनारसी, आज तुमने अपन की इज्जत बचाई, इसका एहसान अपन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अरे एहसान का है का मैम साहब, मुसीबत में काम आने ही का तो तनख्वाह पाते हैं ना। तनख्वाह? अरे मैम साहब, तो का अब भी काम नहीं दीजिएगा हमको? अरे मैम साहब एक काम कीजिए, ये जो नुकसान हुआ है ना, हमारे तनख्वाह में से हर महीने 50-50 रुपया करके काट लीजिएगा। और मैम साहब एक बात बताइए, उमदा शरीफ जात कौन था? राय साहब का अकलौता लड़का, पता नहीं राय साहब जैसे देवता आदमी के घर में शैतान किधर से पैदा हो गया।